सचिन के बाबा का हुआ घर में स्वागत। बाबा की जिद। स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में सचिन के बाबा ठीक हो गए हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। ऐसे में देखिए कैसे घर वाले कर रहे हैं उनका घर में स्वागत। सचिन के बाबा कुछ खुश नहीं हैं क्योंकि उन्हें घर में साईली कहीं नजर नहीं आ रही और उनकी नजरें अपनी बहू रानी को ढूंढ रही हैं। ऐसे में देखिए शुरू हो गया है नया तमाशा, जहां सचिन के बाबा ने दवाई और खाना खाने से कर दिया है इनकार और सचिन के सामने रखी है शर्त कि जब तक वो साईली को घर नहीं ले आता वो खाना और दवाई नहीं खाएंगे। ऐसे में घर वाले जिद कर रहे हैं लेकिन बाबा कहां किसी के सुनने वाले हैं। मैं दवा भी नहीं खाऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं ये बात सही नहीं कर सकता। कई लोगों ने तेरे बारे में शिकायतें की, हर बार मैंने उस पर भरोसा जताया। तो ऐसा कोई कुछ कर रहा है जरूर उसके पीछे लेकिन रोशनी में, लेकिन रोशनी पे हाथ उठाना कोई सही तरीका सचिन कर रहे हैं साईं को लेने, वो आता ही होगा उसे लेकर, तब दवाई तो खा लो तब तक। सही बहुत ड्रामा चल रहा है जैसे आप देख रहे होंगे शूटिंग पे, मतलब अभी टेलीकास्ट आएगा धीरे धीरे, पहले तो जेल का टेलीकास्ट हुआ, फिर हॉस्पिटल का होगा अभी, फिर साईली को घर से निकाल दिया है सचिन ने क्योंकि वो सारा ब्लेम साईली पे डालता है इन चीज़ों का, और इसलिए परेश नाराज़ है। परेश को अच्छे से मालूम है कि साईली बहुत ही बेकसूर अच्छी मन की साफ लड़की है और ही बिलीव्स इन साईली, तो उन्होंने शर्त रखी है कि मैं अगर साईली को घर बुलाओगे तभी मैं दवाई लूँगा। तो ये बात अभी चल रही है कि परेश बहुत नाराज़ है कि भाई भाई बहुत लड़े हैं, गलती से रोशनी पे हाथ उठ गया है सचिन का, जो तेजस को मारना चाहता था वो रोशनी बीच में आ गई, रोशनी पे रोशनी को लग गई, इसकी वजह से परेश को हार्ट अटैक आया, मतलब ये ट्रिगर था। और वो भाइयों को लड़ते देख के और साईली नहीं है घर के, इस बहुत इसका सदमा या दुख पहुँचा है परेश को और ये सारी बातें वो बयान कर रहे हैं। और सचिन फाइनली जाता है साईली को लेने और तभी परेश दवाई खाएगा। तो बाबा इज़ वेरी क्लोज टू एवरीवन एंड परेश जो कि घर के वो है, क्या बोलते हैं, मतलब बाबा इज़ बाबा, सो वी आर ऑल, मतलब हम लोग हेल्पलेस हैं, साईली को बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि तब तक वो परेश दवाई नहीं खाएंगे। इन सब के बीच साईली जूही से बहस करने में लगी हुई है क्योंकि जूही को वो लगा रही है फटकार। तुमने आकाश को काका के बारे में ये सब क्यों बताया? कभी जूही तुझे क्या लगा था मेरे दिमाग में ये बातें नहीं आई? इस समय अगर सचिन के सामने आकाश है तो जानती है क्या हो सकता है? फिर भी तू ये सब क्यों कर रही है? ये सब बताएगी तू मुझे? मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का तोहफा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।